गाइस मैं आपको बता दूं, देखिए मिशन कंपटीशन ने एक बार फिर से 67 बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया, जिसका प्राइस जस्ट 151 रुपीज रखा गया है। देखिए इसमें 50 प्लस प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर दिए गए हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के, जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, बीपीएससी मेकर, इन सबके टोटल मिला के 50 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए। आपको जुड़ रहा है तो आप इतना जो है 151 का वन टाइम पेमेंट करिए और आप इसमें जुड़ जाइए। बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया यही रहेगा, जस्ट 99 रुपीज में आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, किसी माध्यम से पेमेंट करके आपको पेमेंट भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको फिर ऐड कर लिया जाएगा। गाइस जिन्हें भी प्रैक्टिस सेट ग्रुप में ऐड नहीं होना टेलीग्राम के ऊपर, वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेट्स ले सकते हैं। दृष्टि का टोटल 8 सेट्स आप 80 रुपीज़ में ले सकते हैं। बीपीएससी मेकर का टोटल 1 से लेकर 16 सेट आप जस्ट 60 रुपीज़ में ले सकते हैं। परफेक्शन एंड आस्था टोटल 20 सेट 75 रुपीज़ में ले सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 3600 एमसीक्यू साइंस स्पेशल जो है आप जस्ट 149 में ले सकते हैं। इनमें से कोई भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जस्ट इस नंबर पर आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, किसी माध्यम से पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजिए, आपको पीडीएफ हाथों हाथ वहाँ पे दे दिया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा और आप देख रहे हैं मिशन कॉम्पिटिशन। और इस बुक में बिहार करेंट अफेयर के, जिसमें कि टोटल 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसमें कि आज हम लोग गाइस दो प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 जिसे सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये हमें देखना है। तो पहला क्या बोल रहा है, बिहार के मधुबनी जिले के जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा के साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, तो यह कथन बिल्कुल ही सही है। कथन तो क्या कह रहा है कि उनको यह पुरस्कार उनके उपन्यास पंगु के लिए दिया गया था, तो यह भी कथन सही है। तो यानी कि ऑप्शन सी दोनों ही कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामकरण अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया, तो यह लक्ष्य कब तक का है, वर्ष 2030 तक का है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा, तो कितने राज्य शहरों को, तो 6 शहरों को, जिसमें कि कौन कौन है, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौर, बोधगया और छठा राजगीर, यानी ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार देश में अपराधों के मामले में बिहार किस स्थान पर है, तो किस स्थान पर, ऑप्शन सी 25वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस अन एकेडमी अब तक का सबसे बेहतरीन फेस्टिवल लर्निंग ऑफर लेकर आ रहा है। लर्निंग फेस्टिवल ऑफर 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन अन एकेडमी आपको सिर्फ 299 में ऑफर कर रहा है आईआईटी जेई के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे, आईआईटी जेई के लिए ये ऑफर कर रहा है सिर्फ 299 में। ये वैलिड है ऑफर 23 से 30 अप्रैल तक। इसके लिए आपको देखिए RKG10 ये रेफरल कोड यूज़ करना होगा और उसके बाद देखिए आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 299 के ऊपर भी आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है, फटाफट इसको ग्रैब कर लीजिए। साथ ही साथ मैं आपको देखिए बता दूं तो लर्निंग फेस्टिवल में 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन 299 में दिया जा रहा है क्लास 8-12 वालों के लिए भी। तो बहुत ही बेहतरीन सा ऑफर है, 23 से 30 अप्रैल तक के लिए ये भी वैलिड है। इसके लिए भी आपको देखिए RKG10 ये रेफरल कोड यूज़ करना होगा और आपको देखिए 10% का फ्लैट डिस्काउंट यहाँ प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सा ऑफर है, तो जाने मत दीजिए, ग्रैब कर लीजिए फटाफट से। और साथ ही साथ एक और ऑफर अन अकेडमी आपको दे रहा है, बेस्ट ऑफ 3 ऑफर्स हैं अन अकेडमी के। देखिए लर्निंग फेस्टिवल अन अकेडमी आपको दे रहा है 45 डेज प्लस सब्सक्रिप्शन सिर्फ 299 में और नीट यूजी के लिए भी ये ऑफर निकाला गया है, वैलिड है। देखिए 23 से 30 अप्रैल तक के लिए वैलिड है। जिन भी इच्छुक बच्चों को ये चाहिए फटाफट से इसको ग्रैब कीजिए। ग्रैब करने के लिए आप ये रेफरल कोड लगाइएगा RKG10 और ये रेफरल कोड लगाने के बाद आपको देखिए 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देर मत कीजिए, फटाफट से इसको ग्रैब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहले चरण के अंतर्गत किन तीन जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोली जाएगी, तो वह जिले कौन कौन से हैं, पटना, नालंदा और दरभंगा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं, तो अभी नए सूचना आयुक्त कौन है, फूलन चंद्र चौधरी और त्रिपुरारी शरण, यानी ऑप्शन डी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राजस्थानी लेखिका को हम यहाँ थे उपन्यास के लिए बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो यह सम्मान अभी किसे दिया गया, तो मधु कांकरिया को दिया गया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसान आंदोलन के जनक कौन है, तो स्वामी सहजानंदन सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो अभी कौन सी जयंती भी हाल ही में मनाई गई है, 133वीं जयंती मनाई गई है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, मार्च 2022 में पटना ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंत उत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को सफल उद्यमी पहल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था,
यह पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन ए वहीदा अहमद को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पटना में आयोजित राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी बिहार डिजीपैक्स 2022 में बिहार किस प्रसिद्ध जीआई टैग उत्पादन पर विशेष अनावरण का विमोचन किया गया है? तो यह किसमें किया गया? ऑप्शन ए मगही पान। क्वेश्चन नंबर 11, मुंबई में नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो एंड वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राज्य के जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन डी बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कर्नाटक के मंगलौर में खोली गई 67वीं सीनियर राष्ट्रीय वर्ल्ड चैंपियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो बिहार का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत वर्ष 2022 में किन दो नदियों को जोड़ा गया है? ऑप्शन सी बूढ़ी गंडक और बागमती नदियों को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच में निर्यात के मामले के बीच सभी राज्यों की सूची में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को कौन सा स्थान? 22वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, पटना नगर निगम के द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो वो ऐप का नाम क्या है? स्वच्छता ऐप। नेक्स्ट, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी सूची के मुताबिक बिहार के सबसे ज़्यादा निर्यात के मामले में जिलों में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो शीर्ष स्थान पर अगर जिलों की बात करें तो ऑप्शन सी बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार बिहार का कौन सा राज्य होगा जहां लोगों को डिजिटलाइज भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा मिलेगी? तो वो कौन सा बनेगा? पहला राज्य बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2019 में बिहार में मृत्यु दर क्या थी? तो मृत्यु दर कितनी थी? ऑप्शन सी 130। क्वेश्चन नंबर 19, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर 2019 में प्रति व्यक्ति 1000 जीवित जन्मों में कितनी थी? तो ऑप्शन सी 19। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में समाज सेवी अमित कुमार पासवान को 2022 का भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो उनका संबंध बिहार के नालंदा जिले से है। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों को बेहतर प्रबंधन करने के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया गया है जिसका नाम दिया गया है भीम्स यानी कि बिहार इनबैकमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में मिस ट्रांसक्विंट इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? नव्यासी बनी है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में मधुबनी जिले के किसी व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने COVID-19 रिस्पॉन्स कोरिएंटल नियुक्त किया गया, तो ये किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर आशीष कुमार झा को। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में मनोज कुमार को बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, वह बिहार के किस जिले के निवासी है? तो उनका संबंध बिहार के भोजपुर जिले से है मनोज कुमार का, जैसे कि हम अभी बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, नशा मुक्त बिहार को बढ़ावा देने के लिए हॉफ मैराथन का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो यह पटना जिले में किया गया है। नेक्स्ट, इसमें से किस इंजीनियरिंग संस्थान ने देश में पहली बार सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया गया? तो यह किसने किया है? IIT पटना ने किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, GSI की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार के अनुसार देश का 44% सोना बिहार के किस जिले में है जहां 223 मिलियन टन स्वर्ण भंडार का अनुमान किया गया? तो किस जिले में? तो ऑप्शन सी जमुई जिले में।
क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में खतरों में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वो किस जिले में? तो बांका जिले में है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, कोसी नदी के किनारे स्थित गुवारी डील अपने दामन में हजारों साल पहले पुरातत्विक अवशेष समेटे हुए हैं और यह किस जिले में स्थित है? तो इनका संबंध भागलपुर जिले से था। क्वेश्चन नंबर 30, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस जिले में स्थित मांदर पर्वत को 50 करोड़ की लागत से मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है? तो यह किस जिले में? तो ऑप्शन सी, बांका में। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला क्या कर रहा है? ए, ऑप्शन ए, कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या 263 हो गई है, यह भी सही है। इसके बाद बिहार में नगर निगमों की संख्या 19 हो गई है, यह भी सही है। इसके बाद बिहार में नगर परिषद की संख्या 89 और नगर पंचायतों की संख्या 155 हो गई है, यह भी सही है। यानी कि ऑप्शन डी, ए और बी, सॉरी ए बी सी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार में पुलिस एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए एक इमरजेंसी नंबर जारी किया गया, वह इमरजेंसी नंबर क्या है? 112। नेक्स्ट, बिहार के किस सदर अस्पताल में राज्य का पहला DNB प्रशिक्षण संस्थान खोला गया है? तो यह कहाँ पे खोला गया है? ऑप्शन ए, मोतिहारी सदर अस्पताल में। क्वेश्चन नंबर 34, जनवरी 2022 में न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश वर्मा ने पटना हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण की है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? वे राजस्थान हाई कोर्ट से स्थानांतरित होकर पटना हाई कोर्ट में आए, यह भी कथन सही है। इसके बाद पद धारण करने के बाद पटना हाई कोर्ट के जजों की संख्या 26 हो गई है, जबकि स्वीकृति पदों की संख्या 53 है, यह भी सही है। वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कौन है? संजय करोल है, ऑप्शन सी, ये भी सही, यानी कि उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35, जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का प्रयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन सी, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 36, 9 जनवरी 2022 को पटना कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो अभी कौन सा स्थापना दिवस मनाएगी? 160वां स्थापना दिवस है। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1863 में हुई थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37, राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका अध्यादेश 2022 अधिसूचना कर नगर निकायों में महापौर और उप महापौर या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की एक नई प्रणाली लागू की, इसके तहत इनका चुनाव अब किनके द्वारा किया जाएगा? तो यह चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में बिहार के किस जिले में रेल सुरंग इमान किया गया है? तो किस जिले में? ऑप्शन बी, मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 39, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेशन के रूप में विकसित करने के लिए बिहार सरकार ने किस संस्थान के साथ समझौता किया? तो यह समझौता टाटा टेक के साथ किया गया है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में बिहार के समस्तीपुर जिले से संबंधित किस योग प्रशिक्षण को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किसे दिया गया? अभी मोनालिसा सिन्हा को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में बिहार सरकार ने किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो 15 फरवरी को, और यह घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यह घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल यानी कि गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया जाएगा? तो यह कहां पर किया जाएगा बिहार के? तो मधुबनी जिले के झांझरपुर में। कहां पे? मधुबनी जिले के झांझरपुर में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपिन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने का विचार किया जा रहा है? तो ऑप्शन सी, नालंदा को।
क्वेश्चन नंबर 44, बिहार से चोरी हुई 1200 पुरानी भगवान अवलोकितेश्वर यानी भगवान बुद्ध की मूर्ति को किस देश से वापस लाने का निर्णय लिया गया? यह निर्णय इटली से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में बिहार संग्रहालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी अंजलि कुमारी सी को। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? तो सबसे कम अगर की बात करें तो शिवहर में, और सबसे अधिक की बात करें तो वह कहाँ पे? कैमूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट कितना अनुमान रखा गया है? तो यह कितना है? ऑप्शन बी 2,37,651.19 करोड़ रुपए का। क्वेश्चन नंबर 48, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल घरेलू उत्पादक वर्तमान में कितना रहा है? तो यह कितना रहा है? तो 618.63 हज़ार करोड़। और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण यह किसने जारी किया है? तो यह तारकिशोर प्रसाद के द्वारा 25 फरवरी को जारी किया गया है, और यह 16वीं बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है इस बार का, 16वीं बार का। क्वेश्चन नंबर 49, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 2019-20 के प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पादन में सबसे कम रहा है? तो सबसे कम किस जिले में? तो शिवहर में है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे? तो पटना में है। अगर सबसे कम की बात करें तो कितना है? तो वह है 19,000। और अगर सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वह है पटना में, और कितना है? 1,31,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पाद कितना अनुमान रखा गया? ये कितना रखा गया? ऑप्शन ए 17.95 लाख टन। ओके गाइस, सेट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार का पहला और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? तो किस जिले में? ऑप्शन बी मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार सरकार ने जल संसाधन विभाग के द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो यह कौन सा ऐप है? तो ऑप्शन डी दृष्टि ऐप है। और जल संसाधन विभाग अभी कौन है? तो संजय कुमार झा है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में बिहार के किस अभिनेता को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 में वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो किसे दिया गया? ऑप्शन सी मनोज बाजपेयी को। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को मैथिली उपन्यास पंगू के साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो यह अभी किसे दिया गया? तो ऑप्शन ए विदेश्वरी प्रसाद को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार का कौन सा क्रिकेट प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो वो कौन बन गया? ईशान किशन, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई है? तो जू सफारी की शुरुआत कहाँ पे की गई? तो राजगीर में की गई, और इसलिए की गई है क्योंकि पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो अभी किसे बनाया गया? मनोज तिवारी को बनाया गया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में बिहार के किस जिले में हाइड्रोफोनिक पद्धति पर आधारित खेती यानी कि बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है? तो वह कहाँ पे की गई है? ऑप्शन डी भोजपुर में। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर निर्मित कालकूट इंटरमॉडल टर्मिनल की आधारशिला किसने रखी है? यह आधारशिला किसने रखी? तो सर्वानंदन सोनेवाल ने रखी है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो कि यूपी के प्रयागराज से वेस्ट बंगाल के हल्दिया तक और पटना और बिहार के भागलपुर से होकर गंगा नदी में यह पार करती है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रामायण मंदिर यानी कि विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया गया है?
किस जिले में किया गया है? पूर्वी चंपारण में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पटना के कितने वंदे भारत में ट्रेनों की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो किसे दिया गया? ऑप्शन बी प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, 17 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबंधक कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो ये किसने किया? ओम बिरला ने, जो कि 17वीं लोकसभा अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के द्वारा किस फसल की प्रजाति से संबंधित बीज सबौर 1 विकसित की गई है? तो ऑप्शन डी मखाना। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है? तो कहां पर किया गया? ऑप्शन बी मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 16, पेपरलेस व्यवस्था के तहत ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला बिहार का पहला कलेक्ट्रेट यानी कि रामारायणालय कौन बन गया है? तो कौन बना है? ऑप्शन सी सहरसा। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में कृषि नेटवर्क ऐप ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो ऑप्शन सी पंकज अडवाणी को। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में अमर शहीदों की मूर्तियों का अनावरण किया गया? तो कहां पर किया गया? ऑप्शन बी मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 19, 14 से 18 फरवरी तक पटना रेलवे स्टेशन पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 में। क्या इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बिहार के किस जिले में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसकी कितना मीटर है? 251 मीटर स्थापित किया गया। तो कहाँ पे? ऑप्शन ए सीतामढ़ी में। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंबल मिथिला हाट का निर्माण किया गया है? तो ऑप्शन बी मधुबनी में। क्वेश्चन नंबर 22, 31 जनवरी से 6 फरवरी तक बिहार के किस जिले में आज़ादी के 75वीं अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत अंतर्गत श्रमिकों को आय सृजन के विषय पर किसान संगोष्ठी परियोजना शुरू किया गया? तो कहाँ पर? ऑप्शन सी कैमूर बबुआ। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार सरकार ने किस योजना के तर्ज पर केंद्र सरकार ने स्माइल योजना की शुरुआत की है? तो किसके द्वारा? ऑप्शन सी भिक्षावृत्ति निवारण कार्यक्रम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य हमारा बिहार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी की शुरुआत की गई है? तो कोसी सफारी की शुरुआत बिहार के सुपौल जिले से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया? तो यह समझौता सिडबी के साथ किया गया है। और सिडबी तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 27, पटना के किस अभिनेता और निर्देशक को दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह किसे दिया गया? अभी दीप श्रेष्ठ को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में जारी एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे के अनुसार विश्व के 200 चुनिंदा हवाई अड्डों में बिहार का हवाई अड्डा शामिल किया गया पटना के। बिहार का कौन सा हवाई अड्डा को शामिल किया गया? तो पटना हवाई अड्डे को। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी अल्फा का निर्माण किस जिले में किया गया है? तो ऑप्शन सी पटना में। क्वेश्चन नंबर 30, पीएम मित्र योजना
के तहत बिहार के किस जिले में 1719 एकड़ भूमि पर टेक्सटाइल पार्क निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पश्चिमी चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार विकास मिशन के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में किस जिले को प्रथम स्थान दिया गया? तो ऑप्शन बी जहानाबाद को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल कनेक्शन के मामले में प्रथम स्थान किसे दिया गया? तो ऑप्शन सी बांका को। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर में। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार में महिला स्वाभिमान बल्ब का मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया? तो यह मुख्यालय कहां पे? वाल्मीकि नगर में, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार के किस जिले में साहित्य सम्मेलन में रोगोपचार योग केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो यह स्थापना कहाँ पे की जाएगी? ऑप्शन ए पटना में। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध मैथिली साहित्य लीली रे का निर्धन हो गया है और उन्हें किस उपन्यास के लिए 1982 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था? तो ये किसे दिया गया था? ऑप्शन बी मारीचिका को। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार के किस जिले में स्थित धार्मिक स्थल पुनौरा धाम का पर्यटन मंत्रालय ने प्रसाद योजना में शामिल किया गया? तो यह कहाँ पे? सीतामढ़ी, ऑप्शन सी। और सीतामढ़ी में ही हम लोग अभी राम सीता की सबसे ऊंची मूर्ति भी का अनावरण भी किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार सरकार ने सोशल रूफटॉप योजना के तहत सोशल प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ता को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा ऑप्शन सी 40%। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने के लिए देश का 5वां न्यायालय होगा? तो यह न्यायालय होगा ऑप्शन ए पटना उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो यह किसे गया है? मनन कुमार मिश्रा को, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 के दौरान किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान अभी दिया गया रोहित कुमार को दिया गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42, फरवरी 2022 में बिहार के किस जिले में बिहार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर को मुंबई इंडियंस ने सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा है? ये किसे खरीदा है? ऑप्शन सी ईशान किशन को, और कितने करोड़ में खरीदा है? तो 15.25 करोड़ रुपए में। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार के जैविक मिशन के तहत किस जिले में कृषि कार्यालय परिसर में जैविक सब्जियों को आउटलेट खोला गया है? तो कहाँ पर? पटना में। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार के किस जिले में मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित कला संग्रहालय भवन का निर्माण किया गया? तो यह कहाँ पे? पूर्वी चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो यह किसे बनाया गया अभी? डॉक्टर एस सिद्धार्थ को बनाया गया, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में बिहार की त्रिलावे नदी को पुनः जीवित करने की योजना बनाई गई है, यह किस सहायक नदी है? तो यह किसकी सहायक नदी है? तो कोसी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 48, वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार में निम्नलिखित जिलों में का अवरोही क्रम लगाना है? तो अगर अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटे,
तो सबसे ज़्यादा है कैमूर, जमुई, नवादा और मुंगेर, और सबसे कम की अगर बात करें तो वो शिवहर में है, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, आत्मनिर्भर बिहार में सतत निश्चित दो के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट का प्रावधान कितना है? यह कितना है? 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ओके गाइज, बिहार करेंट अफेयर के ये नए एडिटोरिया सेट में आज हमारा सेट के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पादन के संबंध में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो अगर शीर्ष जिला की बात करें तो वो पटना है, और अगर सबसे निचले पायदान की बात करेंगे तो शिवहर है जो, और अगर हम लोग पटना और शिवहर के बीच में सकल घरेलू जिला उत्पादन में 6 गुना का अंतर है। ओके गाइस, कल फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ, और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में और अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।